बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह के 7 बज रहे हैं, हमने बलूचिस्तान सैलाब मुतासरीन के लिए आपसे अपील की थी कि आप हमें सपोर्ट करें ताकि वो सामान भेजा जाए। शर्माना नहीं है, अपने घर का सामान खरीदने जा रहे हैं, आटा दाल ले लें भाई। वहां पे हमारे भाई सब मुतासरीन है, जो सब परेशान है। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, 13,000 से ज्यादा मकान तबाह हो गए हैं, वहां पर 200 से ज्यादा अमवात हो चुकी है। 2005 जितने जलजले जितना बड़ा वाकया है, ये इतनी तबाही, उससे ज्यादा तबाही है। तो मैंने लोगों से कहा था कुछ भी ला के देखें कितनी अच्छी बात है। इधर है, देखें हम अंदर आए, ये हमारा रिसेप्शन है। ठीक है, हम इस वक्त, मैं सुबह के 7 बज रहे हैं, इस वक्त बारिश हो रही है। ये देखें लोग कंबल अपने घरों में, गद्दे, ये देखें नीचे इस्तेमाल हुए हुए कंबल, लिहाफ, ये चादर, ये लोगों की पैंटे, चादरें, ये सारी चीजें लोग दे रहे हैं। उसके अलावा इधर है, देखें चावल, चीनी और चाय की पत्ती के 5-6 डब्बे, आटे, तेल का डब्बा, कोई 10 किलो आटा, कोई 5 किलो आटा, कोई दाल के पैकेट 10, 5-5 एक एक किलो वाले, कोई लोग दे रहे हैं। यही चाहिए, अगर आप देखें ना यार, मैं आपको दिखाता हूं, देखें ये आधा किलो की दाल की थैली आपने दे दी, ये आपने चाय की पत्ती का डब्बा दे दिया, मैं ये तेल दे दिया भाई। ये कंपनीज वाले भी, अगर आप लोग भी थोड़ा थोड़ा सामान सिर्फ दे दो अपने बैच में से कि भाई आज इतना सामान हम बलूचिस्तान के लिए दे रहे हैं, ये हम दे रहे हैं, यकीन जाने हम इतनी बेहतरीन सप्लाई शुरू कर देंगे रोजाना की बुनियाद पे। जिस तरह हम कोविड में काम कर रहे थे, हम अपने बलूच भाइयों को या बलूचिस्तान में रहने वाले जितने पाकिस्तानी हैं, हम किसी को तनहा नहीं छोड़ेंगे इस मुसीबत में। लेकिन ये मैं आपको आइडिया दिखा रहा हूँ क्या मसला है। एक थैला आपने खरीदा 1,000-2,000 का, पहुंचा दिया, ये लो जेडीसी, हम वहां तक नहीं जा सकते, आप पहुंचा दो। आज से ऑपरेशन शुरू है, मैं आपको सब दिखाऊंगा, खुद भी जाऊंगा, मेरी टीमें भी जाएंगी। टेंट हमने 100 तो अभी खुद परचेज कर लिए, मजीद आप भी अगर लेना चाहें, 8,000 रुपए का टेंट है। वो जो मैंने आपको फिर बताया, मुख्तलिफ चीजों चल रही थी कि 1,00,000 का टेंट है और 5,00,000 का टेंट है, 8,000 रुपए का टेंट, राशन का बोरा 5,000 का पड़ रहा है। 1 किलो चीनी पहुंचा दें यार, देखें कितनी अच्छी बात है। ये देखें जिस किसी ने दिया, मुझे नहीं मालूम कौन ही देकर गया चीनी, जरूरत है भाई, अपने ऊपर रख के सोच ले, हम पे मुसीबत आ जाए, हमारा घर बह जाए, हम खुले आसमान के नीचे बैठे हो अपने बीवी बच्चों को बहन भाइयों को समेट के, और खाने को कुछ ना हो तो कितनी बड़ी नेमत है अगर हम तक कोई ये राशन ही पहुंचा दे। इस वीडियो को भी शेयर करना है और मदद भी करनी है लोगों की, अपने परेशान हाल भाइयों की। बहुत शुक्रिया।